90% इंटरनेट यूज़र मोबाइल में इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम देखेंगे आप कैसे यूट्यूब का थंबनेल मोबाइल को इस्तेमाल करके डिज़ाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कैनवा के मदद से यूट्यूब का थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं, वो भी मोबाइल में। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ मैं मेरा मोबाइल स्क्रीन में और वहाँ पर देखेंगे। तो फ्रेंड पहले आपका मोबाइल में आपका कैनवा एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। यहाँ पर हमको ब्लैंक टेम्पलेट लेना है, एकदम जीरो से मतलब स्क्रैच से शुरू करना है। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको जो प्लस आइकन मिल रहा है इसी को क्लिक करने का बाद आपको यूट्यूब थंबनेल का एक टेम्पलेट मिल जाएगा। इसी को क्लिक करने के बाद आपको एक ब्लैंक टेम्पलेट मिलेगा और कैनवा की तरफ से आपको कुछ सजेस्टेड टेम्पलेट भी मिल जाएगा। लेकिन अभी हम जो बनाएंगे, अभी आप जिस वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो का थंबनेल बनाएंगे और एकदम स्क्रैच से बनाएंगे। तो ये टेम्पलेट हमको कुछ भी चूज नहीं करना है, रहने देंगे ऐसे। पहला स्टेप में हमको हमारा बैकग्राउंड का कलर चूज करना चाहिए। तो बैकग्राउंड का कलर चूज करने के लिए आपका अगर ब्रांड कलर है तो सही है, या फिर आप कोई भी एक या दो कलर लेके ही आप डिजाइन बनाए, मेरा जो रेकमेंड है। तो यहाँ पर मेरा हमारा जो ब्रांड कलर है इसी को मैं दे देता हूँ, जैसे कि 00996, ये हमारा ब्रांड कलर। अगर आपका कलर कोड भी आप याद रखते हैं तो वो आसान होगा आपको डिजाइन बनाने में और आपका टाइम बहुत बच जाएगा उसी में। उसी का साथ मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपका टेक्स्ट है उसी को भी टाइप करके रखिए। अभी फिलहाल टेक्स्ट को हम लिख लेंगे सेकंड स्टेप में, बाद में उसी को बैकग्राउंड को और थोड़ा डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पर प्लस आइकन में क्लिक करेंगे, आपको टेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा, टेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आड़े हेडिंग करेंगे। तो हमारा जो टेक्स्ट है फ्रेंड, जैसे पहले से जैसे है टेक्स्ट उसी को हम उसी हिसाब से दे देंगे। तो फ्रेंड हमारा टेक्स्ट का जो इफेक्ट था उसी को पहले हम सेट कर लेंगे, उसी का बाद आसान होगा हम जब डुप्लीकेट करेंगे, बस हमारा टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट करना है। तो हमारा फॉन्ट जो था उसी को हम ले लेंगे, फॉन्ट हमारा था बेबस न्यू। आपको भी फ्रेंड मैं रिकमेंड कर रहा हूँ स्टार्टिंग पीरियड से एक या दो फॉन्ट में ही डिज़ाइन सीख लीजिए, उसी के बाद आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो हमारा कलर था टेक्स्ट का कलर वाइट, इसको चूज कर लेंगे। और उसी के बाद इस टेक्स्ट में कुछ इफेक्ट था, जैसे कि ड्रॉप शैडो इफेक्ट था, शैडो इफेक्ट जाके हम क्लिक करेंगे, इसका कलर को जो ड्रॉप शैडो कलर था इसको ब्लैक कर लेंगे। अभी फ्रेंड जब हम इसी को डुप्लीकेट करेंगे ना, तो हमको सिर्फ टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट करना है, बाकी हमारा इफेक्ट ऑलरेडी अप्लाई होकर रुका है, तो इसमें टाइम आपका बहुत सेव हो जाता है। तो चलिए इस पार्ट को मैं स्पीड कर लेता हूँ, मेरा टेक्स्ट को लेके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, जैसे कि हाउ टू, यहाँ पर मैं मेरा नोटपैड में टाइप करके रखा था। काफ़ी लगभग सेम था, तो इसका हम ऐसे कर लेंगे। उसी के बाद हम सेव ऐड करेंगे, जो डिज़ाइन का पीछे जो सेव था उस सेव को हम ऐड करेंगे। तो चलिए सेव को ऐड करते हैं, उसके पहले इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर हम फिर जाके कुछ सेव ऐड कर लेंगे, जैसे एलिमेंट सेक्शन में जाके एक स्क्वायर सेव ले, इस सेव को ऐड कर लेंगे और ये सेव का कलर जो था वो कलर को हम चेंज कर लेंगे, ये भी हमारा एक ब्रांड कलर था। और ये वाला पर्टिकुलर सेव को डुप्लीकेट करेंगे, एक दो यहाँ पर लेकर रख लेंगे और इसको भेजेंगे पीछे। तो इसको हम पीछे सेंड करने के लिए हमको एक ऑप्शन मिल जाता है पोजीशन, पोजीशन में बैकवर्ड करने पर हम ये पीछे चला जाएगा। और ये वाला सेव को भी लेंगे, ये वाला सेव को भी भेजेंगे पीछे हमको, पहले इसको ये हिसाब से अलाइन कर लेंगे टेक्स्ट का हिसाब से, उसके बाद हम भेजेंगे इसको पीछे बैकवर्ड। और इसका कलर हम कर लेंगे वाइट, ठीक है, और टेक्स्ट का कलर कर लेंगे हम ऑरेंज। ऐसे था फ्रेंड हमारा डिज़ाइन। तो
तो फिलहाल के लिए फ्रेंड हमारा जो टेक्स्ट का पार्ट था ये खत्म हो गया है, अभी हम जाएंगे इमेज के सेक्शन, इमेज सेक्शन की तरफ। पहले से मैं अपलोड करके रखा था एक इमेज, तो इसको मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर है इमेज, इसको लेके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। इसके बाद इस इमेज में एक सिलाउड इफेक्ट दिया था मैंने, जो एक बॉर्डर ड्रॉप शैडो जैसे इफेक्ट, वाइट कलर का एक बॉर्डर इफेक्ट दिया था। तो उस इफेक्ट को देने के लिए आपको जाना है प्लस साइन में क्लिक करना है, यहाँ पर जाना है इफेक्ट में, आपको एक ऑप्शन मिलेगा शैडो, शैडो पर ग्लो इफेक्ट में क्लिक कीजिए, ठीक है। ग्लो इफेक्ट में जाके साइज़ को थोड़ा बड़ा कीजिए आपका हिसाब से देखिए, और ट्रांसपेरेंसी को 100% कर लीजिए, और ब्लर को 0 कर दीजिए, बाद में कलर को वाइट कर लीजिए। ये हो गया हमारा वो इफेक्ट क्रिएट हो गया। द फ्रेंड उसी के बाद पीछे में कुछ शेप दिया था, जैसे राउंड राउंडेड शेप, सर्कल शेप दिया था, तो यहाँ पर फिर जाएंगे एलिमेंट में, एलिमेंट सेक्शन में जाएंगे, जाके कुछ सर्कल शेप ले लेंगे, लेके यहाँ पर एक रख लेंगे, कलर से जाके यहाँ पर चूज करेंगे, और इसका ट्रांसपेरेंसी कम कर लेंगे, और इसका भी ट्रांसपेरेंसी कम करेंगे, और इसको भेज देंगे पीछे चलेंगे। ये हो गया हमारा शेप। पर फ्रेंड मैं YouTube का एक सिंबल दिया था लोगों का साथ, तो यहाँ पर उसको लाने के लिए हम जाएंगे, यहाँ पर सर्च कर लेंगे YouTube, और आपको देख लेना है कौन सा सिंबल हम दिए थे, जैसे कि एक राउंड वाला सिंबल था, तो चलिए वो वाला सिंबल कहाँ मिलता है देखेंगे। तो ये था फ्रेंड वो वाला सिंबल, शायद इसको हम लेके छोटा करेंगे, छोटा करके यहाँ लेके जाएंगे, और इसको थोड़ा रोटेट कर लेंगे, ताकि इसका साथ ही अच्छे से मिल जाए। होने के बाद फ्रेंड हमारा थंबनेल में और जो था वो है एक इमेज, ये जो सोच रहे थे इनका ही एक इमेज था, तो मैं और एक इमेज सेक्शन में जाके यहाँ पर अपलोड सेक्शन में जाके देख लेता हूँ कहाँ पर इमेज है क्या, कुछ सोचने का इमेज। तो फ्रेंड ये वाला थंबनेल को ही मैं ले लेता हूँ, लेके इसको अभी एक फ्रेम में ऐड कर लेता हूँ। इसको फ्रेम में ऐड करने के लिए प्लस साइन पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आपको फ्रेम का ऑप्शन मिल जाएगा, एलिमेंट में जाइए, एलिमेंट में जाके सर्च कर लीजिए फ्रेम, सॉरी फ्रेम, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्रेम को, तो राउंडेड फ्रेम चूज कर लीजिए, और ये वाला थंबनेल को लाके इसका अंदर पेस्ट कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड। और इसको साइड करके यहाँ पर रख लीजिए, और इसको लेके जाता हूँ मैं, और यहाँ पर छोटा सा सर्कल करके ड्रा करके रख लेता हूँ, और कुछ थिंकिंग का सिंबल बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा ये वाला सर्कल को, इसको फिर डुप्लीकेट करूँगा, ऊपर लेके रखूँगा, इसको फिर छोटा करूँगा, छोटा करके थोड़ा चपटा कर लूँगा इसको, इसके बाद ऐसे इसको थोड़ा छोटा, और इसका और एक डुप्लीकेट, डुप्लीकेट तीन डुप्लीकेट मेरे को करना है, इसको पहले लेके आ जाऊँगा, ओहो इसको लेके आ जाऊँगा, यहाँ पर रखूँगा इसको, और थोड़ा छोटा कर लूँगा, और थोड़ा छोटा छोटा इसको, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करके मैं छोटा करूँगा ताकि आसान हो मेरे को करने के लिए। ये हो गया, और इसके बाद इसको और थोड़ा बड़ा, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, इसको और थोड़ा बड़ा करेंगे, ये अरे इसको थोड़ा छोटा करेंगे, बस इसको नीचे लेके रखेंगे यहाँ, और इसको करेंगे थोड़ा बड़ा। तो फ्रेंड ये बन के रेडी हो गया हमारा थंबनेल। फ्रेंड आप ऐसे मोबाइल में भी एक प्रोफेशनल थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं। हालांकि अभी आप जो थंबनेल देख रहे हैं वो हमारा फोटोशॉप में एडिट हुआ था कंप्यूटर में, तो ऐसे कोई बात नहीं कि आप मोबाइल में प्रोफेशनल थंबनेल डिज़ाइन नहीं कर सकते। अगर आपका पास जुनून है, आप करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। इसको थोड़ा अलाइनमेंट को सही कर लीजिए, आप जितना टाइम देंगे आपका डिज़ाइन करने के लिए तो उतना डिज़ाइन बेहतर होगा। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आप चाहते हैं कैनवा के बारे में कंप्लीट डिटेल नॉलेज लेने के लिए, तो मैं एक कोर्स डिज़ाइन किया, वो कोर्स को जाके आप देख सकते हैं। वो कोर्स फिलहाल के लिए आपको एक डिस्काउंट ऑफर प्राइस में मिल जाएगा अगर आप आज ही उसको एनरोल करते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, टिल देन बाय बाय।